फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और शकील को अपनी भांजी के लिए लेना था कुछ कपड़े वगैरह। बेसिकली शकील मामा बन गया है, शकील मामा बन चुका है और हमें लेना है अपनी भांजी के लिए कपड़े, जो कि बच्चों के लिए स्पेशल स्टोर है, फर्स्ट बेबी स्टोर। तो अभी चलते हैं अंदर स्टोर के और देखते हैं कि कैसा है और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो गाइज हमें आना था यहीं पे फर्स्ट बेबी स्टोर। एक्चुअली शकील की जो भांजी है उसी के लिए हमें कुछ शॉपिंग करनी है, तो हम लोग आए हैं बहुत ढूंढ करके फर्स्ट बेबी स्टोर पे। और ये RBI लेआउट में पड़ता है, आप देखो ये एरिया, ये यहाँ का एरिया है RBI लेआउट बैंगलोर। तो ये बच्चों के लिए खास स्टोर है और यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का पूरा सामान, खिलौना, कपड़े वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मिलती है। अभी देखते हैं थोड़ा क्या क्या है लेने के लिए। तो भाई यहाँ अपनी बात तो बन नहीं रही है। एक्चुअली ये जो स्टोर है, मतलब इसको इंटरनेट पे जो है अच्छा रेटिंग दिया हुआ है, लेकिन ये है नहीं अच्छा। अंदर जो हमने देखा है मटेरियल वगैरह, इसका जो कपड़ा उपड़ा है उतना कोई खास नहीं है, धोखा मिला है। इंटरनेट पे जो फ़ोटोज़ थे वो थोड़ा मतलब ब्रांडेड VIP और बड़ा शॉप का लग रहा था, लेकिन यहाँ आके वैसा कुछ फील नहीं हुआ। शॉप भी थोड़ी छोटी है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। यहाँ जो प्रोडक्ट है, यहाँ जो कपड़े वगैरह है ना, वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है हम लोगों के लिए। एक्चुअली देखो यार, मतलब पहली बच्ची है तो उसको थोड़ा अच्छा हम लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया दे खरीद करके। तो गाइज एक और हमने स्टोर ढूँढा है जो कि इसका भी रेटिंग काफ़ी अच्छा है, firstcry.com, इसका ऑनलाइन सर्विस भी है। और अंदर चल करके देखते हैं कि कैसा है। तो भाई बात यहाँ भी नहीं बनी, अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, पहले प्लान बना लेते हैं उसके बाद फिर बताते हैं आपको कि जाना कहाँ है। एक्चुअली हमें पसंद ही नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किस टाइप का ले। हमने कभी ख़रीदा नहीं है ना बच्चों के लिए कभी कोई भी चीज़। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेंड्स जूनियर में और चलते हैं अब अंदर, में भी यहां पे मिल जाए। बहुत ढूंढ लिए हम लोग, बहुत घूम लिए हैं, तब यहां का हम लोग लेंगे जायज़ा। तो ये दोनों हमने सेलेक्ट किया है और हमें पसंद भी आ गया। कितने कितने का है ये? 900 का है और ये कितने का है? 650। ये देखो 649 का और इस साइड है आपका ये 899 900। अच्छा है ये, यहाँ पे हमें तो मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइस नहीं है कलर में। बिलिंग करवा रहे हैं और ये है कलीम भाई, और हमें इनसे जो है ना एक थोड़ा सा आगे भी प्रॉफिट होने वाला है, वो आपको बाद में बताएंगे क्या होने वाला है। तो फाइनली गाइज हमारा जो है शॉपिंग हो गया कंप्लीट। ट्रेंड जूनियर से हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की है, काफ़ी घूमे यहाँ पे, और नेट से जो देख करके आए थे भाई उसमें चोपा कट गया, हम लोगों को धोखा दे दिया रेट में। नेट के अंदर उसका रेटिंग अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्ट था, जो कपड़े थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पसंद ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमें पसंद आया है और काफ़ी अच्छा डील भी है, और जिससे हम लोग अभी मतलब बात किए वो तो रांची का ही था, काफ़ी अच्छा बंदा था। पर हमें फ़ायदा क्या हुआ बाद का ये बताओ? हमें एक प्रॉफिट ये हुआ, यहाँ जो काम करता है, जो भी यहाँ पे रिलायंस वगैरह में जो एम्प्लॉय होता है उसको अलग से एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, तो वो किसी को भी अपना ऑफ़र पास कर सकता है, अपने जानने वाले को, दोस्त को, फ्रेंड को। तो इससे हमारी दोस्ती हो गई है। तो अब इसने बोला है कि कभी भी आप रिलायंस से अगर शॉपिंग करोगे
तो हमें कॉल करना, हमारे पास जो ऑफर होगा हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। अभी अभी नहीं था इसलिए अभी ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, बोला बाद में कभी भी आएगा तो कोई भी कपड़ा होगा उस पर 70% ऑफ मिल जाएगा। चोको ट्रफल, रेड वेलवेट एंड मेरा है जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट। ये एक मॉल है हमारे जस्ट पीजी के थोड़ा दूर पे ही, करीब 2 किलोमीटर दूर है, और इस मॉल का नाम है वेगा सिटी। हमारी एक दिन में तो शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो दूसरे दिन हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं शॉपिंग को। एक दिन हमने शकील की भांजी के लिए ख़रीदा था, शॉपिंग किया था, और दूसरा दिन जो है वो शकील के लिए शॉपिंग चल रहा है। कुछ स्वेट शर्ट लेना था और इसे शूज़ लेना है। अभी स्वेट शर्ट तो हमने ले लिया है, अब शूज़ लेना है, तो उसके लिए हम लोग अभी घूम रहे हैं। काफ़ी देर से शकील घुमा रहा है और काफ़ी जगह पे हम लोग गए, पसंद नहीं आया, तो अभी एक मॉल में हम लोग इंटर किए हैं और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। रिबॉक वाले के पास लेकिन कैजुअल शूज नहीं है, ये तो भाई बड़ा ही अजीब लगा। अब एक बार एडिडास में चलते हैं, ये एडिडास है, इसके अंदर चल करके देखते हैं मिलता है कि नहीं। काफ़ी देर से घूम रहे दोस्तों, वीडियो अलाउ नहीं कर रही यार, अपना तो ले सकते हैं ना सर, शॉप के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वेन्स में, और ये शोरूम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इसका जो डेकोरेशन किया है, इंटीरियर डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है। और शकील कैसा लग रहा है तुम्हें? शकील ट्राई कर रहा है, काफ़ी जगह पे वैसे पहले ट्राई कर चुका है। जूता अगर ऐसे मोल्डेबल होगा तो उसका फ़ायदा है, जैसे ही जब आप चल दोगे, आपने चला, आपने कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, किसी ने किया, किसी का पाँव मुड़ रहा है या कुछ हो रहा है, जूता अगर स्टेबल होना चाहिए, अगर स्टेबल नहीं हुआ तो पाँव मुड़ जाएगा, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी होती है, ये ज़रूरी होती है। अब कहने को ये नॉर्मल सोल लगता है, लेकिन इसको बनाने के लिए कितना फासला है या कुछ है, उसको टेक्नोलॉजी। हमारी ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है, और हमारे भाई साहब जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अटेंड किया है। आज तक कर्नाटक में हमें इतने अच्छे से किसी ने अटेंड नहीं किया था, काफ़ी कूल हमें मिले हैं पहली बार कर्नाटक के अंदर, इतना कूल बंदा हमें नहीं मिला था। बेसिकली ये जो भाई है वो दिल्ली से है और इंजीनियर है हमारी जैसे, बट ये अभी बिजनेस कर रहे हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से था ना सर, तो काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली हम लोग यहाँ पर, हमारी जो है तलाश कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये है जो हमने चूज़ किया है, और काफ़ी खूबसूरत है, ये इनका स्टिकर है, ये भी स्टिकर एक दिया है हमें, ये सारे स्टिकर्स दिए इन्होंने, और स्पेशली यूट्यूब के वजह से मिल रहा है, यूट्यूब पे सर्चेस थोड़ा ज़्यादा आएंगे। तो गाइस फाइनली हमारा जो है शॉपिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है, और वेन्स में हमारा शूज़ का जो है वो तलाश ख़त्म हुआ। इसको पसंद आया और काफ़ी खूबसूरत शूज़ भी लग रहा है, आपने भी देखा होगा, खूबसूरत से ज़्यादा वो कंफर्टेबल है, और प्लस बहुत ही सस्ते में अच्छा डील हुआ है हमारा, मतलब चलने पे अच्छा, ब्लैक खोज रहे थे ना, ब्लैक से बेटर यही कलर लगेगा, नहीं चलने में भी मतलब इतना ज़्यादा कम्फर्ट है ना कि बहुत लाइट है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है, और खूबसूरत भी बहुत है, हमें तो खूबसूरत बहुत लगा, बाकी कम्फर्टेबल भी बहुत था, और प्राइस भी बहुत कम किया बेचारे ने, कितना था, 6,000 था, तो करीब 8,000 था, हमें 5,500 तक दिया उन्होंने, 5,249 बहुत, मतलब जितना हो सकता था अपने तरफ से उसने कर दिया, लेकिन लेकिन हमारी आदत है जहाँ भी जाते हैं जितना हो सकता है उतना करा के लेते हैं। हाँ, बेस्ट डील हम लोग क्रैक करते हैं ना, हमने बेस्ट डील क्रैक किया किसमें, या तो हमने हॉस्टल में भी बेस्ट डील क्रैक किया, पीजी में, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस में जो कोचिंग सेंटर है उसमें भी बेस्ट डील क्रैक किया है, अभी शूज़ ख़रीदने के लिए उसमें भी बेस्ट डील क्रैक किया है। तो गाइज बस
यही था आज का पूरा कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। खुदा हाफिज़।